यदि आपने MS Excel का क्लास मिस कर दिए हैं और MS Excel को पूरे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा YouTube चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS Excel होम टैब के अंतर्गत आने वाले सभी एक एक ऑप्शन का प्रयोग, वो भी पूरे डिटेल में। यदि आप सभी ऑप्शन को अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले MS Excel को डबल क्लिक कर ओपन कर लेंगे और आज के इस वीडियो में जानेंगे होम टैब के अंतर्गत आने वाले ये सभी ऑप्शन का प्रयोग। तो सबसे पहले जानते हैं होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है कट। तो इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड डेटा को अस्थायी रूप से उठाने के लिए होता है। जैसे मैं इसको कट करता हूँ तो देखेंगे लाइनिंग एक्टिवेट हो जाता है और इसे जिस जगह पे प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए मुझे दूसरा शीट पर, तो आते हैं यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। इस प्रकार आप एक जगह से उठा के दूसरे जगह से रख सकते हैं। तो मैं अंडू करके इसको पुनः प्राप्त कर लेता हूँ। उसके बाद जानते हैं कॉपी। तो कॉपी का प्रयोग होता है सिलेक्टेड डेटा को प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे जो एक सीट पर डेटा है उसे मुझे थर्ड सीट पे चाहिए, तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे तो ऐसे प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पेस्ट स्पेशल आता है और इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड डेटा में से हमारे द्वारा किए गए कट या कॉपी को एक एक करके प्राप्त करने के लिए होता है। हमने जो यहाँ पर फर्स्ट फीस सेकेंड फीस को प्लस किए हैं, इसी में मैं थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड येलो कलर कर दिया, टेक्स्ट कलर रेड कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे इसी को कॉपी करना है तो हम लोग जनरली करते हैं कॉपी और यहाँ पर करेंगे, फिर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अब मुझे यहाँ से इस चीज को यहाँ प्रतिलिपि प्राप्त करना है। मान लीजिए मुझे फार्मूला चाहिए तो यहाँ पर मैं फार्मूला सेलेक्ट करूंगा और कर देंगे ओके। तो यहाँ पर देखेंगे हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए मुझे यहाँ का फॉर्मेट मुझे प्राप्त चाहिए इतने एरिया पर, तो हम लोग करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद जाएंगे पेस्ट और यहाँ से पेस्ट स्पेशल और यहाँ से ले लेंगे फॉर्मेट। जैसे मैं ओके करूंगा तो देखेंगे जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया है, वो वहाँ पर प्राप्त हो जाता है इस प्रकार। तो इस प्रकार से आप पेस्ट स्पेशल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं फॉर्मेट पेंटर। इस विकल्प का प्रयोग एक शब्द पर दिए गए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को दूसरे शब्द पर अप्लाई करने के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट का कलर रेड है और बैकग्राउंड येलो है, उसी को आप दूसरे शब्द पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जितना शब्द को उसके जैसे करना चाहते हैं उतना को सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं क्लिपबोर्ड। इस विकल्प का प्रयोग हमारे द्वारा किए गए कट या कॉपी को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर लोकेश जो लिखा है मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, तो देखेंगे लोकेश वहाँ स्टोर हो जाता है। जैसे कृष्णा लिखा है इसको भी कॉपी कर लेते हैं तो देखेंगे वो भी वहाँ स्टोर हो जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जिस जगह में हमको ये शब्द चाहिए उस पर ऐसे क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है फॉन्ट। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट, सेकेंड ऑप्शन है साइज। इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड एरिया पर फॉन्ट और उसका साइज सेट करने के लिए होता है। जैसे देखेंगे मान लीजिए मुझे हिंदी में भी काम करना है इस सेल में, तो मैं इस सेल पे आता हूँ, फिर यहाँ से हम लोग भाषा कर लेते हैं कृति दे, उसके बाद साइज कर लेते हैं 24। तो जो मैंने फॉन्ट साइज सेट किए हैं वो केवल इसी सेल के लिए अप्लाई होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ ग्राम, ये देखेंगे जैसे मैं टैब बटन करता हूँ तो दूसरा में जाते हैं तो पुनः हमको भाषा टाइम्स न्यू रोमन और साइज 16 मिलता है, जबकि मैं साइज सेट किया था 24 और भाषा सेट किया था कृति दे। कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्सेल में हमें जितने एरिया पर जिस भाषा में काम करना होता है उसे उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से भाषा से करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए है, छोटा करने के लिए है, बोल्ड करने के लिए है, इटैलिक करने के लिए है, अंडरलाइन देने के लिए है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं बॉर्डर। यहाँ पर जैसे मैं लिख लेता हूँ ग्राम और अभी हम लोग देखेंगे जैसे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल प्लस F2 करके देखेंगे बॉर्डर नहीं आया है क्योंकि हमने इसको बॉर्डर नहीं दिए हैं। तो बॉर्डर देने के लिए क्या किया जाता है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो बॉर्डर देना चाहते हैं जैसे कि टॉप बॉर्डर देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, राइट साइड देना है इसका प्रयोग करेंगे और सभी को बॉर्डर देना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे से क्लिक कर लेंगे और कॉलम की चौड़ाई को कॉलम हेडिंग पे डबल क्लिक करके व्यवस्थित कर लेंगे और इस प्रकार आप बॉर्डर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर फिल कलर। सिलेक्टेड एरिया का पर बैकग्राउंड कलर देने के लिए होता है। जैसे मुझे नहीं देना तो यहाँ से कर लेंगे नो फिल। उसके बाद ये टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट का कलर देने के लिए है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं अलाइनमेंट। तो इसके लिए कॉलम का चौड़ाई बढ़ा लेता हूँ और ये रो के हाइट को भी ऐसे पढ़ा ले। देखेंगे यहाँ पर जो ग्राम पंचायत पथरिया लिखा है सेल के नीचे साइड है, हम लोग मान लो इसको बीच में रखना है तो ये इसे सेंटर में ले जा सकते हैं, टॉप में रखना है तो इस पर ऐसे क्लिक करके ले जा सकते हैं, तो यहाँ से रख लेंगे मिडल और यहाँ से देखेंगे लेफ्ट में है, अब यहाँ से कर लेते हैं सेंटर, तो ऐसे सेंटर में आ जाता है और ये राइट करने से राइट में चला जाता है। तो अलाइनमेंट का प्रयोग सिलेक्टेड शब्द को सेल में करने के लिए होता है और इंक्रीज का प्रयोग होता है सिलेक्टेड शब्द को आगे की ओर इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज का प्रयोग पीछे करने के लिए, ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। तो इस
विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड डेटा को रोटेट करने के लिए होता है। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर ले तो आप देखेंगे रोटेट में जाएंगे, क्लॉक वाइज करते हैं तो देखेंगे ऐसा हो जाता है, और इसी को हम लोग वर्टिकल टेस्ट करते हैं तो इस लेआउट में चेंज हो जाता है। ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं। मैं अंडू करके वापस ले आता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं, रैप टैग। इस विकल्प का प्रयोग कॉलम की चौड़ाई के हिसाब से लाइन को खत्म करने के लिए होता है। जी हाँ, आप प्रीव्यू पर भी यहाँ पर देख सकते हैं इस लेआउट में चेंज करने के लिए होता है। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए जैसे ग्राम पंचायत को हम लोग एक लाइन में और पथरिया को यहाँ नीचे में लाना चाहते हैं, तो अब हम लोग कैसे करते हैं जानते हैं। जैसे मैंने टाइप किया ग्राम पंचायत और यहाँ पर जैसे अब इंटर करते हैं तो देखते हैं हमारा जो कल्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ग्राम पंचायत पथरिया लिखना है, तो रैप टेस्टर पे जाके क्लिक कर लेंगे इस प्रकार से। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पथरिया तो वो ऑटोमेटिक नीचे में आ जाता है इस प्रकार से। मतलब कलम के चौड़ाई के हिसाब से लाइन खत्म करने के लिए होता है। और जैसे यहाँ से हम लोग ऐसे इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, अभी सेंटर में नहीं आया है तो अलाइनमेंट करके इसको ऐसे सेंटर में भी कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं, मर्ज एंड सेंटर। इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड सेल में लिखे गए शब्द को सेंटर में लाने तथा सिलेक्टेड सेल को मर्ज करने के लिए होता है। समझेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे इतना में ग्राम पंचायत पथरिया को सेंटर में लेके आना है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे से क्लिक कर देते हैं तो देखेंगे जो एक से अधिक सेल था वो एक में मर्ज हो गया और साथ ही जो शब्द था वो बीच में आ जाता है। अब इसी को अनमर्ज करना, तो यहाँ पर जाएंगे अनमर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा था वैसा हो जाता है इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है नंबर। तो इस ग्रुप का प्रयोग हमारे द्वारा सिलेक्टेड कॉलम पर लिखे गए शब्दों की फॉर्मेट सेट करने के लिए होता है। जी हाँ, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी चाय पत्ती, और यहाँ कितना किलोग्राम में चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर मुझे 45 चाहिए, तो यहाँ पर 45 के बाद ऑटोमेटिक केजी लिखना चाहते हैं तो ऐसे टाइप करना पड़ेगा। और एक के लिए तो ठीक है, लेकिन हर एक में से टाइप करना पड़ेगा तो समय लगता है। तो हम लोग डायरेक्ट चाहते हैं कि भैया ये केजी वाला में ऑटोमेटिक में नंबर लिखूं और केजी आते जाए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबर में ऐसे क्लिक करके कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पर फिर कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद जो जनरल लिखा है 0 लिख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के लिखेंगे केजी, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ और कर लेंगे ओके। इसके बाद जैसे अब इस कॉलम में मैं कोई भी नंबर जैसे टाइप करता हूँ, जैसे मैंने 4 किया तो देखेंगे केजी ऑटोमेटिक आ जाता है। 87 लिखा तो फिर देखेंगे केजी ऑटोमेटिक आ रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए मैं इसका प्राइस लिख देता हूँ, जैसे डेमो के लिए 4200, तो देखेंगे 42 में दशमलव आ रहा है क्या, नहीं। तो आप मान लो ये प्राइस वाला कॉलम में आप दशमलव सेट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे नंबर, यहाँ से फिर सिलेक्ट करेंगे नंबर, और यहाँ पर करना आपको कुछ नहीं है, डेसिमल प्लेसेस देख लो कितना डेसिमल चाहिए, यहाँ पर सैंपल भी दिखा रहा है 42 में ऑटोमेटिक दशमलव के बाद 200 आ जाएगा, तो कर लेंगे के। तो इस प्रकार आप जैसे इसमें कुछ भी आप प्राइस लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 120 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें 2 दशमलव। अब आप उसी प्रकार से यहाँ पर चाहते हैं कि भैया इस कॉलम पे परसेंटेज का सिंबल ऑटोमेटिक आए, तो हमको करना कुछ नहीं है, बस सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे नंबर, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज और कर लेंगे ओके। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे 45 लिखा तो देखेंगे ऑटोमेटिक 45% आ जाता है। और जैसे आप शून्य नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप शून्य को डिक्रीज करके ऐसे भगा भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट जानते हैं डेट। तो आप नंबर की सहायता से इसमें हमारे द्वारा लिखे गए डेट को निम्न फॉर्मेट में से कर सकते हैं, देखेंगे जो आपको बेहतर लगता है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और कर लेंगे ओके। जैसे मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ 1/2021, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर महीना का नाम आ जाता है इस फॉर्मेट में, क्योंकि हमने ये फॉर्मेट सेट करे। तो इस प्रकार से नंबर की सहायता से आप हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों की फॉर्मेट से कर सकते हैं। अब इसी को नॉर्मल मुझे करना है तो जनरली हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से कर लेंगे जनरल और कर लेंगे ओके। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है स्टाइल्स ग्रुप, और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड डेटा में से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को कलर और आइकन के माध्यम से हाईलाइट करने के लिए होता है। चलिए उदाहरण समझते हैं, और इसमें से सबसे ज्यादा बैलेंस जमा किए उसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि किसका ज्यादा है, तब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होता है, जो बड़ी संख्या रहता है जिनका ज्यादा फीस रहता है वो हाईलाइट हो जाता है। और यही मान लो ऑप्शन का प्रयोग नहीं जानते तो कैसे करेंगे, ऐसे देखेंगे अच्छा 10,500 है, इसको फिर यहाँ बैकग्राउंड कलर देंगे जाके, ऐसे कर करके एक एक करके देंगे तो टाइम लगेगा। तो आप आसानी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से इसको आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए आप चाहते हैं कि इन लोग का सबसे कम फीस आया है या कम फीस वाले को हाईलाइट करना है, तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, यहाँ कर लेंगे लेस देन। जैसे लेस देन पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे जिनका फीस कम रहता है, छोटी संख्या रहता है, वो हाईलाइट हो जाता है इस प्रकार से। इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग जानते हैं टॉप 10, तो यहाँ पर टॉप 10 को हाईलाइट करने के लिए तभी तो मेरे पास सही लोग का रिकॉर्ड एंट्री किया मैंने। डेटा बार में आते हैं तो देखेंगे ऐसे आप कलर के माध्यम से भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो जिनका ज्यादा फीस पे हुआ है देखिए उसका ज्यादा कलर फिल हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इसी में जानते हैं। मान लीजिए जब आइकन के थ्रू आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं
चाहते हैं तो ऐसे हम लोग आइकन के थ्रू भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं ये चुन लेता हूँ और देखेंगे यहाँ पर हेज आ जाता है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कलम का चौड़ाई कम हो गया, ये देखेंगे। तो ऐसे भी हाईलाइट आप कर सकते हैं। अंडू कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। तो इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड टेबल का रूप रंग बदलने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये देखेंगे जो हमको पसंद आता है उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे और कर देना है ओके। तो इस प्रकार आप सिलेक्टेड टेबल का रूप रंग बदल सकते हैं। फिर चाहे तो आप यहाँ से ऐसे भी क्लिक करके चेंजेस कर सकते। चलिए हम लोग उसी पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं सेल स्टाइल। तो सेल का स्टाइल बदलने के लिए है। इस प्रकार से जो आपको बेहतर लगता है आप उस पे क्लिक करके सेल का स्टाइल बदल सकते हैं। तो चलिए मैं डबल लाइन वाला ले लेता हूँ इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है सेल्स ग्रुप। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट। तो इस विकल्प का प्रयोग कर्सर की जगह पर सेल कॉलम रो सीट इंसर्ट करने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आपको पैड फीस के बाद दो कॉलम चाहिए तो आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे आपको तीन कॉलम प्राप्त हो जाता है। यदि दो चाहिए तो दो सिलेक्ट करेंगे, एक चाहिए तो एक सिलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए आपको यहाँ 11 के बाद दो लाइन चाहिए तो दो लाइन सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाके डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो देखेंगे दो ठोरो आ जाता है। और मान लीजिए अब ये मुझे दो लाइन मिटाना है तो डिलीट में जाऊंगा, ऐसे रो को भी डिलीट कर सकते हैं सीट रो कर। या फिर उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई कॉलम मिटाना है तो उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे जाके डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो कॉलम ऐसे डिलीट हो जाता है। मैं अंडू करके उसे वापस ले आता हूँ। तो इसी में सीट चाहिए, एक और सीट प्राप्त करना अभी देखेंगे। एक दो तीन सीट है हमारे पास, और सीट चाहिए तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट सीट। इसी का शॉर्टकट बटन है शिफ्ट प्लस F11। यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 के बाद 4। तो ऐसे आप शिफ्ट के साथ F11 बटन दबा के डायरेक्ट सीट की संख्या बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। तो इसका प्रयोग होता है कॉलम की चौड़ाई व रो की लंबाई चौड़ाई को एडजस्ट करने, हाइड एंड हाइड करने, सीट का रीनेम करने और सीट को लॉक अनलॉक करने के लिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, जैसे मैं जानबूझ के यहाँ से कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा दे रहा हूँ और इसी को अब मुझे सेट करना है। एडजस्ट आर सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर कॉलम ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देते हैं तो देखेंगे कॉलम का चौड़ाई ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाता है। और इसी का शॉर्टकट बटन है डबल क्लिक। जी हाँ, कॉलम हेडिंग पे ऐसे डबल क्लिक करने से भी कॉलम का चौड़ाई व्यवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं हाइड एंड हाइड। तो इसका प्रयोग होता है सिलेक्टेड कॉलम को हाइड ऑफ करने और अनहाइड करने के लिए। देखेंगे यहाँ पर जाते हैं, कॉलम को करना है तो कॉलम पे करेंगे, रो को करना है तो रो पे करेंगे, क्लिक कर देंगे, कॉलम हाइड हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन फिर है हाइड अनहाइड के बाद रीनेम सीट। इस विकल्प का प्रयोग सीट को रीनेम करने के लिए होता है। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर सीट का नेम कर लेंगे डीसे और पीजीडीसे कोर्स। मैक्सिमम आप इसे 31 अक्षर तक लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव और कॉपी सीट। तो सरल तरीका यह है भैया, इसको आप सेलेक्ट कर लो, जितना को आप कॉपी करना चाहते हैं कंट्रोल सी कर लें, उसके पश्चात जिस भी सीट पे उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करके जाएंगे और कंट्रोल वी कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर फिर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कॉपी जैसे करते हैं तो लाइन एक्टिवेट हो जाता है। उसको डीएक्टिवेट करने के लिए कुछ दूसरा सेल पे ऐसे टाइप करना होता है तो लाइन डीएक्टिवेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टैप कलर। और इस विकल्प का प्रयोग होता है सी टैप के बैकग्राउंड पर कलर देने के लिए इस प्रकार से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट सीट। तो इस विकल्प का प्रयोग करंट सीट को लॉक अनलॉक करने के लिए होता है। फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे 123 कर लेंगे ओके। फिर से 123 ओके करेंगे। उसके बाद कंट्रोल एस कर लेंगे। अब ये सीट क्या हो जाता है लॉक। इस सीट पर आप वर्क या फिर एडिट वगैरह नहीं कर सकते। अनलॉक करने पर पुनः फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट करेंगे और जो पासवर्ड दें उसको यहाँ पर इंटर करेंगे 123 और कर लेंगे ओके। अब आपका सीट अनलॉक हो चुका है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसमें एडिट या वर्क कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है जिसका प्रयोग गणितीय गणना को पूर्ण करने के लिए होता है। तो चलिए एक एक करके सबका प्रयोग मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखते हैं जैसे अब इसको मुझे टोटल करना है तो जनरली सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम में जाएंगे और यहाँ सम पे क्लिक कर देंगे तो सभी का प्लस आ जाता है यहाँ पर इस प्रकार से। अब इसमें से हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑटो सम में जाने के बाद मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। छोटी संख्या ज्ञात करना है तो आप ऑटो सम में आएंगे और यहाँ पर मिनिमम पे क्लिक कर लेंगे और इन सभी का एवरेज ज्ञात करना है तो एवरेज पे क्लिक कर लेंगे। काउंट नंबर करना है कितना संख्या है तो ऐसे आप काउंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल। तो इसका प्रयोग होता है सिलेक्टेड शब्द को सिलेक्टेड सेल में फिल करने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे 454 को मुझे राइट साइड इतना में चाहिए तो हम लोग यहाँ फिल में आएंगे और यहाँ राइट पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से फिल हो जाता है। ऊपर में चाहिए तो ऊपर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फिल में जाएंगे और यहाँ कर लेंगे। अब इस प्रकार लिखे गए शब्द को अनेक सेल
पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर, तो क्लियर का प्रयोग समझाने के लिए मैं इसमें थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे बैकग्राउंड पे ये और कलर देते हैं रेड। अब मान लीजिए मुझे ये सभी को क्लियर करना है, तो हम लोग क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सब डेटा के साथ साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जाता है। मैं अंडू करता हूँ, वापस लाता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं क्लियर फॉर्मेट, तो ये क्या करेगा, केवल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है इस प्रकार से। अंडू कर लेता हूँ, उसके बाद क्लियर कंटेंट करते हैं तो देखेंगे केवल शब्द बस को डिलीट करता है इस प्रकार से। अंडू करके पुनः वापस ले आता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट, तो कमेंट को मिटाने के लिए आगे जानेंगे इस ऑप्शन का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं सॉर्ट और फिल्टर, तो सॉर्ट का प्रयोग सिलेक्टेड डेटा को अल्फाबेट क्रम में व्यवस्थित करने के लिए होता है, और फिल्टर का प्रयोग एक निश्चित डेटा को छान कर देखने के लिए। चलिए जानते हैं, देखेंगे अभी जो यहाँ पर डेटा मैंने टाइप किया है वो अभी सॉर्ट नहीं है, तो हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे और ए टू जेड पे क्लिक कर लेंगे, तो देखेंगे इस प्रकार से अल्फाबेट क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। और इसी को आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो जेड टू ए पे क्लिक करके ऐसे भी व्यवस्थित कर सकते हैं, तो मैं कर दे रहा हूँ फिलहाल ए टू जेड। अभी हम लोग कर रहे हैं नेम के हिसाब से हो रहा है, यदि आप फीस के हिसाब से करना चाहते हैं तो फीस के हिसाब से भी इसको घटते या बढ़ते क्रम पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टम सॉर्ट, और यहाँ पर जो सॉर्ट बाई में हम लोग स्टूडेंट नेम कॉलम चुने हैं उसके जगह आपको चुनना रहेगा कोर्स। फीस के हिसाब से करना चाहते हैं तो टोटल फीस पर, आप जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। फिलहाल मैं स्टूडेंट नेम ही रहने देता हूँ, उसके बाद कर लेते हैं ओके। फिर चलिए जानते हैं फिल्टर, तो फिल्टर का प्रयोग होता है एक निश्चित डेटा को छान के देखने के लिए। जैसे आप यहाँ पर कोर्स पे आते हैं और मान लीजिए आपके पास हजारों की संख्या में रिकॉर्ड है और डीसीए बस को देखना चाहते हैं, तो यहाँ कोर्स में आएंगे और यहाँ से जो सिलेक्टेड आ रहा है उसको हटा लेंगे और यहाँ डीसीए पे क्लिक करेंगे। यदि पीजी डीसी वालों को देखना चाहते हैं पीजी डीसी वाले बस पे क्लिक करेंगे और कर लेंगे ओके, तो देखेंगे डीसी वाले बस का लिस्ट छान के आ जाता है। और मान लीजिए मुझे सभी कोर्स को पुनः देखना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और कर लेंगे ओके, तो जितना भी रिकॉर्ड है आपका इस प्रकार से आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड, तो इसका प्रयोग तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। फाइंड मतलब किसी भी नाम को शॉर्टकट ढूंढने के लिए, रिप्लेस बदलने के लिए, गो टू किसी भी सेल पर शॉर्टकट जाने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप एमएस एक्सेल होम टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग को अच्छे तरीके से जान गए होंगे, सीख गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात को रख सकते हैं, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।